everyone, welcome to my channel or welcome back to my channel. So today we are gonna discuss ki how to study for 10th standard. This video is specially for 10th standard ke students jo abhi ja chuke 10 mein, bas unke paas 6 mahina reh gaya to study for their boards and fir last ke din mein do mahine unko reh gaye revision ke liye. So I think so ki 6 mahine mein unhe portion khatam kar dena chahiye and 2 महीने में लास्ट में उन्होंने रिवीजन किया तो बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है उनका. एज वी हैव स्टार्टेड स्टडिंग फॉर अ 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ऑगस्ट, हमने ऑगस्ट से स्टार्ट किया था एंड वी फिनिश्ड आवर प्रिपरेशन इन फेब्रुअरी. हमारा एग्ज़ाम लेट पोस्टपोन हो रहा था, लास्ट में उन्होंने कैंसिल कर दिया. बहुत बच्चे खुश थे उसके डिसीजन से बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि मेरी मेहनत का नतीजा एग्ज़ाम कैंसिल करना नहीं था. मेहनत का नतीजा यह था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने, और उस मेहनत का नतीजा यह था कि उन्हें कैसे भी हालत में एग्ज़ाम लेनी चाहिए थी. लेट इट बी, हो गया है. लेकिन जितनी मैंने मेहनत की थी आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट कि मेरे को अच्छे मार्क्स आने वाले हैं. सो मेरे को आए थे 10th में, नहीं मैं मार्क्स रिवील नहीं करने वाली, मार्क्स मेरिट के पास थे. ठीक है, मेरिट के पास थे एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. मार्क्स में बहुत जल्दी रिवील करने वाली हूँ, इसलिए मुझे याद है कि मुझे यहाँ बताना नहीं है, मुझे अपनी मार्कशीट रिवील करनी है. आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. मेरे को मेरी 10th की मार्कशीट रिवील करनी है एंड आपके साथ कुछ बातें भी करूँगी मैं. ठीक है, एट द सेम टाइम सो मार्क्स रिवील नहीं करते बट मेरे पे भरोसा करो, मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे. ठीक है, ये इन सब चीज़ों से एंड मैं ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने टीचर से सीखी एंड यही आपको बता रही हूँ जो मेरे को उनने हेल्प किया था. सेम थिंग आई एम हेल्पिंग विद, आई एम हेल्पिंग यू, हेल्पिंग नहीं. मेरी जो टंग है ना वो इतनी ज़्यादा स्लिप होती है बाय गॉड, मैं कुछ भी बोल देती हूँ. अब भी मैं बोल रही हूँ कि दिस विल हेल्प यू. ओके, सो दिस इज़ नॉट अ लाइक, कोई सिखा नहीं रहा तुमको ये चैनल पे, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एंड आपको जो चीज़ इसमें से अच्छी लगी आप वो ज़रूर लेके जाना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना मेरे चैनल को. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, लेट डिस्कस की सब्जेक्ट कितने होते हैं. 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी 5 का तो बेस्ट ऑफ 5 होता है. सो फर्स्ट साइंस, सेकेंड मैथ्स, फिर SST, फिर इंग्लिश एंड हिंदी, मराठी या फिर हिंदी की जगह पे संस्कृत वगैरह. ठीक है, लैंग्वेज को लेते हैं स्टाइल में. मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर वी विल जंप अप ऑन दी लैंग्वेज का पार्ट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और यही है जो स्कोर घटा भी सकता है, यही है जो स्कोर बढ़ा भी सकता है. ठीक है, सो आपको 75 से 95 तक का ले जाने का मीन्स और साइंस है, साइंस मैथ्स और SST, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकते हैं. आप 75 से 95 में जा सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो साइंस के बारे में बात कर रहे थे ना, तो साइंस वन एंड साइंस टू के लिए सेम चीज़ें रहेगी, कुछ चीज़ें होगी जो अलग होगी. यहाँ पर अगर कोई बर्तन बच रहा हो तो सॉरी. ठीक है, साइंस के लिए 2 चीज़ें होगी, साइंस वन एंड साइंस टू के लिए बहुत सी चीज़ें सिमिलर होगी, बहुत सी चीज़ें थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होगी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्लियर रखना एज मच मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, कंसेप्ट को अच्छे से समझो, स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझो, कौन सा साइंटिस्ट क्या कहना चाहता है, एक्सरसाइजेस में कौन से चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे सब ध्यान में रखते हुए कंसेप्ट को अच्छे से समझो, ताकि आप अगर कंसेप्ट को समझोगे तो आपको अपने आप आंसर राइटिंग में हेल्प होगी. ठीक है, फर्स्ट अगर नहीं सम फर्स्ट तो हमारे को कंसेप्ट समझना. ठीक है, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ नहीं आती है, बहुत दिमाग खाते हैं हम लोग टीचर का, तो अच्छे से क्वेश्चन पूछा करो अपने टीचर को, और टीचर से अगर सेटिस्फाइंग आंसर नहीं मिल रहा है तो गूगल है हमारे पास, ट्रस्टिंग ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे तुम ट्रस्ट करते हो, ऐसी वेबसाइट्स पे पूछा अलग, ऐसी वेबसाइट्स पे अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स आप आस्क कर सकते हो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये एंड थर्ड पॉइंट ये कि बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, तो कितना भी घिसा पिटी कुछ भी कर लिया नहीं समझ रहा है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास ये रहेगा कि आप उस चीज़ को रट लो, आपको उस चीज़ को लर्न कर लेना है. ठीक है, ये सबसे लास्ट आखिरी ऑप्शन है हमारे पास किसी चीज़ को याद करने का. ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास कीवर्ड्स. हमेशा मैं कहती हूँ, 11th 12th को भी कहती हूँ, 10th के बच्चों को भी बोलूँ कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम में. आपके कीवर्ड्स आपके अच्छे मार्क्स की
की होती है, इसलिए उसको कीवर्ड बोला जाता है। सो कीवर्ड्स पे हमेशा ध्यान दो, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स पे हमेशा ध्यान दो, डेफिनेशंस पे हमेशा ध्यान दो। वो डेफिनेशन और वो स्टेटमेंट वैसे के वैसे छपनी चाहिए एग्जाम में जैसे वो एक्चुअल में है, क्योंकि स्टेटमेंट्स और डेफिनेशन हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो हमारी भाषा में लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, हमेशा अपनी भाषा में, अपनी मदर टंग में चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको ग्रास्प होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हो अगर आप अपनी मदर टंग में किसी चीज़ को याद करते हो और अपने आप को खुद से बॉडी मूवमेंट करके समझाते हो। जैसे नाउ आई एम डूइंग बॉडी मूवमेंट, ठीक है, तो मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ, अच्छे से खुद समझ पा रही हूँ कि मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या बतानी है। तो बॉडी मूवमेंट, आपकी जो हैंड मूवमेंट है वो भी इम्पॉर्टेंट होती है जब भी आप कुछ चीज़ें को अपने आप को समझा रहे होते हो और अपने आप को अपनी मदर टंग में समझाओ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझे। आपको कोई भी लैंग्वेज जो बेस्ट लगती है ना, आपको जो लैंग्वेज ज़्यादा जल्दी समझती है, उस लैंग्वेज में अपने आप को समझाओ ताकि आपको जल्दी चीज़ें याद हो। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड्स सिक्स पॉइंट, दैट इज कि PYQs। ये PYQs का जो भी प्रैक्टिसिंग है उसे हम लोग लास्ट में रखेंगे, लास्ट के दो महीने में बस हमको PYQs खुद से प्रैक्टिस करना है, और मॉडल पेपर्स मिलते हैं उन्हें भी खुद से प्रैक्टिस करना है साइंस वन के लिए। साइंस टू में कुछ चीज़ें और ऐड होगी इसमें, वो होगी डायग्राम्स। डायग्राम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा डायग्राम्स प्रैक्टिस करते रहो। जब भी आपका लास्ट लाइक बोर्ड्स के एक दो महीने पहले जब आप रिविजन कर रहे होगे तब भी डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो, रोज़ 5 से 6 बार उस डायग्राम को देखो, उसको ड्रॉ करो खुद से, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। आपको पता है वो एक फ्लावर की डायग्राम थी बायोलॉजी में, बायोलॉजी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिससे मुझे ज़्यादा कुछ मतलब अटैचमेंट नहीं है कि जल्दी से जल्दी करो और छोड़ दो, ऐसा लगता था मुझे बोर्ड्स में। बट मैंने क्या किया था, चीज़ें लाइक इतना बड़ा पैराग्राफ और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें थी उस टॉपिक के ऊपर अपने टेक्स्ट बुक्स में, बट मैंने डायग्राम्स याद रखी थी, तो डायग्राम्स मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था, मैं डायग्राम पे से चीज़ें एक्सप्लेन कर पाती थी। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है, मैं डायग्राम्स पे से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाती थी। सो आप भी वही करो, डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, डायग्राम्स की लेबलिंग ठीक से करो, लेबलिंग और उसकी यूजेज आप जो भी होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप जल्दी से याद कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में सब दोनों साइंस वन और साइंस टू के लिए बता रही हूँ, एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा ध्यान दो। एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन और कौन से टॉपिक पे ज़्यादा पूछे गए हैं उस पर ध्यान दो, ताकि आप अंदाज़ा लगा सको कि क्या क्वेश्चन हमको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बोलूँ तो केमिकल रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है ताकि आपको वो समझ में आए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज मैथ्स। मैथ्स के लिए मैं बोलूँगी कि प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, टीचर से पहले समझ के ले लो, एक्सरसाइजेस वगैरह क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो समझ के ले लो, फिर प्रैक्टिस करो एंड देन प्रैक्टिस करो। उसके बाद फॉर्मूलेस याद करो, फॉर्मूलेस के एप्लीकेशंस याद करो, एप्लीकेशन से याद नहीं करो, एप्लीकेशन सीखो उसके, ये वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग और कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, इंजॉय। फिर उसके बाद में आता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के टेबल जो है ना वो भी अच्छे से याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री के सम बहुत जल्दी सॉल्व करते आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमको सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक लगता था 9th में भी 10th में भी, बिकॉज वो फॉर्मूलेज याद थे, वो टेबल याद था, चीज़ें याद थी कि कैसे करना है, क्वेश्चन समझ में आते थे, तो वो चीज़। अगर आपका 9th का ट्रिग्नोमेट्री आपका परफेक्ट है तो आपका 10th का भी ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में SST, भाई SST नाम सुन के सबको नींद आने लगती है, हिस्ट्री सुन को तो पक्का नींद आती है। हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री की जो भी हिस्ट्री की में स्टोरीज है वो लाइक जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन्हें स्टोरीज के फॉर्म में दिमाग में याद रखो, ताकि आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओ, उसको जल्दी जल्दी याद कर पाओ। जब आप चीज़ें विजुअलाइज़ करते हो ना वो चीज़ें जल्दी याद होती है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में यही है, चीज़ें विजुअलाइज़ करो, चीज़ें याद रहेगी। हिस्ट्री को स्टोरी के फॉर्म में ही समझो, आपको जल्दी याद होगा। ज्योग्राफी का भी सेम है, ज्योग्राफी में टॉपिक्स तो हार्ड वाले हैं नहीं, उसमें चीज़ें समझते जाओ, इमेजिन करते जाओ तो जल्दी याद हो जाती है। और रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है SST के लिए, तो SST के लिए हमेशा रिविज़न करते जाओ। हमारे जो ट्यूशन में ना हमारी टेस्ट होती थी SST पे ज़्यादा,
तो SST साइंस पे और मैथ्स पे, ऐसे तीन सब्जेक्ट्स पे, मेन जो तीन सब्जेक्ट्स है उन पे टेस्ट होती थी। एंड टेस्ट में SST का एक दिन पहले रिवीजन भी करके जाओ ना तो हमको अच्छे मार्क्स मिलते थे। तो पेपर है तो 35 के ऊपर मेरे को मिल ही जाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पढ़ो ताकि आपको एक दिन पहले रिवीजन भी करो आप तो आपका हो जाए। मेरे को इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने फालतू में बाल खुले छोड़े, जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। उसके बाद में आता है हमारे पास, तीन मेन सब्जेक्ट्स हो गए, अब आता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज लास्ट में जो दो महीने आप रिविजन करोगे उनमें ही अपना लैंग्वेज का भी कर लेना है, या फिर आपका जो भी साल भर में आपको संडे सैटरडे ऐसे कुछ वीक्स में दो वीकेंड्स होते हैं तब आप कर सकते हो। आपका हिंदी हिंदी संस्कृत इंग्लिश या फिर जो भी मराठी है आप वीकेंड्स पे कर सकते हो, उन्हें एक या दो घंटा लगा के हो जाता है। ठीक है, लास्ट के महीने में बस वो होता है ना भावार्थ, बहुत सारी चीज़ें, ग्रामर वगैरह, वो लास्ट में ही करो ताकि आपको ग्रामर याद रहे उस टाइम पे। 12th के अगर मार्क्स नहीं देखे तो जाके वीडियो देख लो जिसमें मैंने रिजल्ट अपना ये किया है। एंड 10th का भी बहुत जल्दी आएगा तो वो देखने के लिए भी वेट करना। एंड अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय।